चंदा मामा के दर्शन करवा देते हूँ। बिल्कुल सिर पर आए हुए हैं और उधर से कोयल की आवाज़ आने लग रही है। टाइम हो गया 5:15, आज जल्दी उठी थी, जल्दी आँख खुल गई तो उठी ली। फिर मैं अलार्म बजने से पहले ही, वैसे तो 5:45 का भरया करूँ, फिर 4:15 हिजाग आ गई थी तो मैंने सोचा 4:30 मैं चलो उठी लेती हूँ, 10 मिनट पीछे फिर अलार्म बोलेगा तो आँख भी नहीं लगी थी। टाइम से सो जाऊँ तो फिर अपने आप खुल भी जाती है आँखें। उधर से कोयल लग रही है, मैं अपने काम निपटाई आई फिर सारे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा है और दिनों से, ठीक है काम करके आओ ना, आधा पौना घंटा, इतना सुस्ता भी नहीं रहता, नींद खुल भी ले है काम में ना। और शेयर करने वाले की भी आवाज़ आने लग रही है, एक आदमियों का ग्रुप से है, सह सतना का, उनकी आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ आकर लग रहे हैं घूमने। हाँ जी, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं सभी, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं संतोष गहलोत स्वागत करते हूँ आपके अपने इस जी ब्लॉग्स टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग्स में। फूल बड़े अच्छे खिले हुए हैं, सुबह सुबह ना कैमरे में दिखने लग रहे हैं। बस अब अपना कर लें योगा, बाद में मिलते हैं। मैं लगी अपनी योगा करने, जिसके साथ मैं करती हूँ, जिसकी वीडियो को देख कर उसने पूरा 1 महीने का लगातार डाला हुआ है, जैसे वो करवाता है उस हिसाब से मैं डेली उसी के हिसाब से करती हूँ। इसमें जैसे एक एक करते हैं तो उसमें सेट बनवाता है 3-3, या तो ये लगातार 25-25 से इकट्ठे कर लो, या फिर अपना बीच में को और कोई एक्सरसाइज करके न जब कर लो, तो इस तरह होता हो। और आज मैंने करी अपने कंधों की भी, करती तो डेली हूँ पर आज मैंने सोचा मैं डाल देती हूँ, तो अच्छी एक्सरसाइज है, मेरे को अच्छी लगा करा, थोड़ा सारा कुछ खुल जाता है, बैक का, गर्दन का, और इन एक्सरसाइजों से, क्यों मेरा तो मेन कंधे का होता है जो मैं करती रहती हूँ डेली। 5:05 लगे थे, 6:35 हो गए, अंधेरे में लगे थे, बिल्कुल दोपहर ही हो गई है योगा करने में, पसीने आ गए शर्मा को, बिल्कुल ही हो गया आज। आज मेरा यो कंप्लीट हो गया, किचन वेस्ट वाला ढक दिया है बिल्कुल ही मैंने, इसमें लस्सी और गुड़ डालने हैं, अच्छी खट्टी ही लस्सी और गुड़ मिक्स करके ना, ताकि ये जल्दी डिकम्पोज, जल्दी तो नहीं 3 महीने में होता ही है, अब इसको पैक कर दो। जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता, 3 महीने में होता है, मैंने देखा अभी था, 3 महीने के सिवा कुछ नहीं होएगा, 3 महीने से पहले मठिया में तो 3 महीने में होया, इसमें देख लेंगे वो, पर 20 दिन में तो नहीं होता, इतना तो गारंटी दूँ, ना 20 दिन में होता ना महीने में होता, और मेरे को तो बराबर ही लगता है, जैसे मटके में भी इसमें भी पूरा टाइम ही लेगा 3 महीने में, पर सही डिकम्पोस्ट हो जाता है। अब उस वाला जो बड़ा है वो माठा मटका रख रहे हम, उस वाला अब यूज़ कराया हमने, छोटे मटके वाला तो जब यहाँ बेले लगाई थी जब हो जाता, अब डेली वो कर देते हैं मटके वाला ना, बड़े वाला जब भी 10-15 दिन में, हफ्ता 10 दिन में जब भी डालते हैं वो डाल देते हैं, ख़त्म ही होने वाला हो रहा है बस अब वो मेरा किचन वेस्ट वाला, अब इसलिए आज वो पैक कर दिया, तब दूसरे में लगूंगी ना करने, इतना और काम नहीं उठाती। मेहनत भिंडिया में करनी पड़ी ना, भिंडी इतनी हुई नहीं, भिंडिया में बहुत मेहनत करी, कितनी बार बोई है पर भिंडी वो चली नहीं, मैं सोचू थी 40-50 पौधे हुए हैं भिंडी के, पर 20-25 पौधे मुश्किल से हुए हैं। चलो अब आगे देखते हैं, महीने के बाद जून में फिर बोई जाएंगी, फिर करेंगे ट्राई, क्या पता जून वाली हो जाए, बीज उस हिसाब से हो लाए तो कोई 5-6 बार हैं बीज, तो 6-7 बार बीज लेके आए ना भिंडी का, 2-3 बार ऑनलाइन भी मंगाया, 2-3 बार यहाँ दुकानों पे शेर मंगवाया हाईब्रिड वाला, पर वो चीज़ हुई नहीं भिंडी में। अब चले नीचे कपड़े धोने हैं, क्यों बिठा रखी है बेटोनी, सुबह सुबह आई, मैं तो छत पर आई हूँ, इबा दूध नहीं कुछ भी नहीं है, गेट खोल लिया होगा तेने, इन्हें यो मेटे मेला है बैठने में, हाँ ठंड में पसरती है आगे ना है, हेलो देख अरे हेलो कर दें, हैं भूख लग रही है, चल बाहर ले आवे हैं, बाहर बैठ, कल बार खा ले, तेरा डाल दे, तेरी दया भी आवे, जब से तेरा ऑपरेशन होया है, हैं देना भी पड़े तेरे को, चल निकल बाहर। हो रहा है 9:15 होने नौ रहे हैं, तो माँ को दे दिया था खाना अपना, नहा धोकर शर धोकर जब आई हूँ, क्यों मैंने कहीं जाना था, जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ सब्जी में बनाने लग रही हूँ कोफ्ते, अभी एक बार वही उफान सा पाचे फिर डालूंगी, गर्म पानी में से डाला हुआ था, एक बार ना तो फिर वो सारा सोख लेगा ना, थोड़ा अच्छा उफान आएगा जब करूँगी, और इधर लग रही हूँ मेरे चौकड़े तवे पर भर के ना रखी हुई है ना, मोटी मोटी ले रहा था कल सब्जी वाला, चलते जला चौक का नर बना दूंगी,
थोड़े ही कर दूंगी ना, तो वे खा लियो मैं गर्मी में चीजें ना, तो सिंपल खाना वाले हैं ज्यादा उनमें नहीं बढ़िया करते हैं। बच्चे दोनों हो जब तो पनीर पनीर की ज्यादा बन जाती है, दाल मखनीर बोलिया ना हो तो बिल्कुल सिंपल ही चलता है। कपड़े के साथ साथ और काम चले हुए थे, मैंने कहीं जाना है तो फिर आऊँगी लेट हो जाऊँगी, मैंने सोचा सब्जी ही बना जाऊँ और किचन की सफाई कर जाऊँ, फिर तो पोचे वाली आएगी तो इतना बेटा है ही वो करवा लेगा, करवावा तो इसाएगा। असल में मैंने जाना है अपना लाइसेंस करवाने, रिवेन्यू करवाने, तो उसकी डेट हो रही एक्सपायर हो रही है, ध्यान ही नहीं दिया। 10 बजे डॉक्टर बैठा है तो मैं फटाफट इसमें लगी हुई हूँ, अब अपना सैंडविच भी बना लूँ, इतना मेरी सब्जियाँ बनेंगी है मैं सोएंगी, इतना मैं अपना सैंडविच बना कर खा लेती हूँ। सैंडविच में है स्प्राउट्स मूंग और काला चना मिक्स करके नारियल डाल दूँगी, वैसे पे अब ढक दूँगी ना, आप होती रहेंगी थोड़ी देर में। एक तो ये वैसे भारी है तवा, इसलिए इसी सी चीज़ इस पर करा करूँ, 2-4 मिनट ऑन करके जल्दी हो जाए, वह कोई वो नहीं है। लो बहनों अखरोट खाने लग रही हूँ साथ में, बीच में इसलिए रुकी गई थी। ये है स्प्राउट्स मूंग और काले चने का सैंडविच, प्याज प्यूज सब के मैं साथ में पीस रखा है, अदरक लहसुन हरी मिर्च और ये अपने ड्राई फ्रूट रात के सोख बादाम अखरोट मैंने खा लिए, दोनों मम्मी बेटियाँ का हमारा बन गया, वो लेकर जा लिया। मैं अब अपना लग रही हूँ क्यों जल्दी में हूँ थोड़ी ही, और साथ में थोड़ा दूध दूध जरूर लूँगी, क्यों चाय या कॉफ़ी वो ना लिया करते ना, मैं दूध लिया करूँ बस इतना कि जल्दी। अपने मेडिकल वगैरह तो करवाया ही सारे, पर इनकी साइड साल लेने रही, साइड साल जानती तो आज मेरा लाइसेंस आगे से रख लेता, कई दिन हो गए डरती वैसे ही नहीं, स्कूटी गाड़ी निकालूँ थी अब और कई दिन ला देंगे, पंगा ही है ये भी। भाई टाइम हो गया 11:30, अब आए हैं तो काम के लिए, मेडिकल मेडिकल होया आगे लाइसेंस सर के आई नहीं, फाइल सर की नहीं, क्यों नहीं गया, साइड स्वीट बंद थी बता भी रही थी मैं, फिर अपना रसीद रसीद कटवा कर नरा के साइड चलेगी जब होगा उनका कुछ के IC करवाना होगा, जब आगे मेरी फाइल चलेगी, इतना मैं बिना लाइसेंस घर बैठी हूँ कहीं नहीं जा सकती ना, मैं जाया करती ना बिना लाइसेंस के कहीं भी फालतू में, क्यों मेरी धनो भी फिर 15 साल पुरानी हो रही है, लाइसेंस हो तो कम तक कम बच जाया करूँ फोन फान करके ना फिर तो, और धनो मेरी मेरी सिंगल हैंड है ना, इसलिए मेरी है वो सही चली हुई है बिल्कुल ही। थोड़ा अपना खरबूजा खा लूँ, खरबूजा ले कर भूख मिटाऊँ, भूख लगी अंदर ही दोते से लगी, पानी पी अंद, गर्मी हो रही है वो तो अंदर रहा इतना ना फील सा होता, बाहर जाओ तो सही गर्मी है, क्यों इधर से उधर घूमे ना पता लगे है हाँ भाई गर्मी हो रही है क्यों कभी रसीद उधर कटावा कभी उधर कटावा, तो धूप में तेरे है ना जब पता लगे हाँ सही गर्मी हो रही है तो चलो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर काम करूँगी, एक आध छोड़ के गई थी जल्दी जल्दी में, थोड़ी देर बाद करूँ, पहले खरबूजा खा लूँ फिर करूँ काम, फिर लगूँगी जो छोड़ के जा रही हूँ। रोटियाँ बनाने लग रही हैं आज, कुछ कम में ना होए जा भी जाऊँ फिर कुछ कम में ना होए, फिर गए अपने फ्रूट फ्राट खा के हमने, फिर और कुछ काम था वहाँ भी ऑनलाइन ही था नहीं, आज पता नहीं क्या है हो रहा है। मैं अपनी रोटियाँ बना कर नर खा लें, रोटी बनाई है रागी की, घिया बच रही थी कुछ सुबह कोफ्ते वाली, वह मिक्स कर दी इसमें रागी के आटे में और कोफ्ते हैं अपने और मिर्ची छोंक दी थी, एक दही की कटोरी अपनी प्लेट लगा कर दिखा दी दूँगी क्या, पर भूख भी लगी हुई है। कोफ्ते सीजन के पहली बार बनाए हैं बेटे, 2-3 बार बोल लिए थे कोफ्ते बना दो कोफ्ते, मैं चलो आज कोफ्ते ही बनाते हैं घिया के ना, अच्छे भी लगे अगर दाल दूल हों तो, पर आज तो ये चीज़ थी। भाई अपनी लगी थाली, टाइम हो गया 5 बज गए, बस तो सारी दोपहर ही होगी, ऊपर टंकी का पानी ख़त्म हो गया, पता नहीं ऊपर वाले ने खुला छोड़ दिया, 2 टंकियाँ हैं दोनों ही खाली, फिर ऊपर नीचे हमने टैंक भरवाया हुआ है, आजकल पानी भी कम आता है, तो मैं चलो इसकी सफाई करते फिर इसमें भरता कराएंगे, इसमें से जल्दी जल्द जाया करेगा, तो वो मोटर फिर हमारी नहीं चली, तो सारी दोपहर ही हो गया, आज लग रहे हैं ना सोए ना, और इस आगे वाले कमरे में से तार लगाया हुआ है, अब बंद कर दे अब ऑन कर दे अब बंद कर दे, सारी दोपहर ही ऐसी गई है हमारी, अब भी लगे हुए हैं ख़त्म नहीं हुआ है अब तक वो पानी क्यों, टैंक खाली करके ना फिर उसकी सफाई करनी है हमने, कह रहा है कितना भरा हुआ था पानी था ना, तो वो मोटर उठाई नहीं रही थी, अब मोटर सही चल रही है 4 बजे के बाद ही, तो जो 2 बजे लगे थे 4:30 बजे ही वो मोटर सही चली है, अब देखती हूँ बाहर जाकर ना, मैं तो अंदर से उसको बंद करने में उनमें लगी हुई थी, फिर कहानी दानी हाथ में नहीं आ खर खर वो आवाज़ करे जाओ लेट है, फिर बाहर से आवाज़ लगा दे,
तो मुश्किल काम था। ये गहरा इतना है कि अंदर पैड़ी लगा के ना फिर उतरना पड़ा। पैड़ी लगवाई हुई है हमने, जिस तरह एंगल से गटवा के जब उतरता है आदमी। और हमारा पंप है दूसरा, इसमें तो पानी में भी पड़ा रहे तो वो खराब नहीं हुए, तो पानी को जब भी चलाना चाहे तो वो चढ़ जाए ऊपर टंकी में। तो कई साल हो गए छिड़िए नहीं थी हमने, जरूरत ही नहीं थी, अब जरूरत पड़ रही है पानी। अब घंटे के हिसाब से आता है इसलिए जरूरत है। अब आवाज़ नहीं आ रही थी उसके, मोटर की ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, वैसे ही दिखा के लाई हूँ कितना गहरा है। अब तो खाली होने दो, 15-20 मिनट का काम रह रहा है, ना मोटर चला ना क्यों, मोटर उसके अंदर थी तो वो पंप ही नहीं ले हुआ थी, पानी कोई नहीं उठा रही थी। फिर किसी की मांग के लेके आई, हमारे वाले को ठीक करनी थी, पानी निकाल कर किसी को बुला कर सफाई करवा देंगे, साफ कर जाएगा वो। और मैं अपने काम कर आऊँगा एक बार, मार्केट में तो सूट लेने हैं बुटीक वाली में, तो और भी कुछ सामान मंगवाया हुआ है उससे, तो वो लेती हूँ उठा कर। 2-3 दिन हो गए उसका फोन आया था, कल भी आया था, जा नहीं पा रही। तो अभी सर मेरे को कुछ काम है नहीं ना, अभी तो आने के बाद देखूँगी, क्यों अभी तो उसमें लगे वो लाइट भी भाग गई और रह गया बीच में काम। टाइम हो गया 6 बजे, एक आधा दिन तो वैसे खराब ही जा रहा है ना, जिस तरह आज मारा गया है तो सारा दिन खराब भी गया है। पहले लाइसेंस के लिए, फिर और कुछ काम गए, फिर मोटर वाले में उसमें लगे रहे सारा दिन। पर ही मैं अपने काम निपटा के आई हूँ। एक तो मैंने प्रेस मंगवाई हुई थी स्टीम वाली, जो बुटीक वाले रखा करें इसने उठा के ले आई हूँ, और अपना किचन का करके ले आई हूँ। थोड़ा जरूर जरूरत था ना, जिस चीज़ की जरूरत थी वो लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं। इसकी मेरे को बहुत ज़रूरत थी, जो प्रेस ने मेरा कई नुकसान कर दिए, तो ये उठा के लाना बहुत ज़रूरी था। कई दिन से कह रखा दीदी आ रही है, दीदी आ रही है, मैं चला आज एक बार उठा लेती हूँ। और इसी के साथ फिर मैं ब्लॉग की भी एंडिंग कर देती हूँ, कल मिलते हैं फिर, तब तक राम राम।